देखो इसके लिए मैंने नहीं छोड़ी, मैंने पहले इसके लिए तो भविष्यवाणी कर दी थी अपने एक ब्लॉग में कि इसकी ब्रेक लगेगी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो चलो केमिस्ट्री का पेपर देने चलते हैं। केमिस्ट्री का पेपर का टाइम हो गया है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मैं इतना लेट हो गया कि मुझे लेने के लिए ना टीके से बंदे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से मुझे लेने के लिए ये आ गया, चल चलते हैं। वो नीचे वेट कर रहा है। तो मोबाइल मोबाइल जाने रखूँगा मैं, अंदर लेके चलूँगा। ईटिंग नहीं, ब्लॉगिंग। देखो यार ये बहुत ज़्यादा डरते हैं यार, जल्दी आ। तो ये इतना ज़्यादा डरते हैं ये, इनको लगता है कि वहाँ पे हम फ़ोन ले जा नहीं सकते, फ़ोन सर ले लेंगे वगैरह वगैरह, पर इतना कुछ है नहीं वहाँ पे, फ़ोन रखने के लिए पूरी व्यवस्था वगैरह सब कुछ कर रखी है। यार तू किधर है, जल्दी आ, उसको लेके आ जा। हाँ जल्दी चल, ऑल द बेस्ट भाई। तू यहाँ पे भी नोटबुक खोल के शुरू हो गया, कितना पड़ेगा? कम ले, कम कम के अनुसार पड़ा भाई। हमने जहाँ कहा वहीं पे बैठना है, ठीक है? कल जैसा डिस्कशन किया ना वैसे ही करना है। चल अब चलते भाई। ये क्या टेंट वाला है कि यहाँ पे? कैसा लग रहा है, पास हो जाओगे? पास तो होना पड़ेगा। ठीक, तो फिर अपनी एग्जाम दे के वापस आता हूँ। 3 घंटे मेरा पेपर चलेगा, 3 घंटे बाद पता चलेगा कि आज का पेपर कैसा हुआ। यार आज जैसे मतलब थोड़ी बहुत टेंशन वगैरह तो हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड भी है। 3 hours later हम नॉकिंग पड़ रहा था, पर तू आगे हमको डिस्टर्ब कर दिया। क्या पेपर बेकार हुआ तेरा भाई? एक नंबर को मेरा, भाई मेरा तो मस्त गयो, 70 में से 80 पेपर फाड़ दिया हमने। देखो इसके लिए मैंने नहीं छोड़ी, मैंने पहले इसके लिए तो भविष्यवाणी कर दी थी अपने एक ब्लॉग में कि इसकी ब्रेक लगेगी। और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था मुझे तभी दिख गए थे 50% फेल है। अरे बस ठीक है, 50% इसमें मेरा नाम भी इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बैक लगनी है पक्की, ठीक है? तेरी 4 में बैक लगेगी तो फेल होगा, फेल तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों में से एक फेल होगा तो मैं पास हो ही जाऊंगा 50%। भाई मेरे कारण तेरी बैक लगी है, पता है? अबे इतना कौन क्यों, क्या हो गया? हां लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, मैं बुला रहा हूं, पता पता भाई लिखने में। तो ये देख, ये ओए ये देख, मैंने भी लिखा है, ऐसे ही कौन लिखता है, पेपर पे लिखना था आज भी बहुत लिखा है। ओए चल विजय, चलते हैं। ठीक है चलो यार, जैसे तैसे करके आज का केमिस्ट्री का पेपर भी ख़त्म हुआ। पर केमिस्ट्री का पेपर है ना, अच्छा ऐसा कह सकता हूँ कि कल जो पढ़ा था ना मैंने विनोद ने विजय ने जो भी कल पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। वो तो ठीक था कि हमने पहले पढ़ाई कर ली थी अच्छी खासी, तो पेपर अच्छा चला गया था, पर कल जो भी पढ़ा था ना उसमें से एक क्वेश्चन तक नहीं आया यार। पर जो भी क्वेश्चन आए थे ना उनके ऊपर से हमारी नजरें गई थी। जैसे एक नॉकिंग का क्वेश्चन आया था, नॉकिंग और पेट्रोल इंजन करके ऐसा कुछ, जिसके ऊपर से विनोद ने उंगली लगाई थी कि हाँ भाई ये देखिए हमारे सिलेबस में है कि नहीं है हमें बता। तो मैंने कहा हाँ सिलेबस में होगा पढ़ ले, पर तब तक मेरा एक दूसरा दोस्त आ गया था रूम में, तो हम वहाँ पर डेविएट हो गए, तो वो टॉपिक भी हमसे नहीं हुआ था कवर। तो हाँ मतलब कि ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे जिनके ऊपर से हमारी नज़र गई थी कल, और वो जिन क्वेश्चन पे नजर गई थी ना आज के पेपर में हमें मिले थे वो क्वेश्चन। तो हम फिर जब पेपर मिला था ना हमको, तो हम सोच रहे थे भाई यार ये क्वेश्चन तो कल ही देखा था पर हमने पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था पर पढ़ा नहीं, अगर पढ़ लेते तो आज और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लिख पाते। पर मैंने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत लिखा हूँ मैं। एक सेकेंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेरा हाथ, मतलब कि मेरा पेन लीक करना लग गया था। 17 पेज भरे थे मैंने पूरे 17, और वो भी ऐसे नहीं कि हाँ लाइन छोड़ के किए थे, एकदम बुक कैसे प्रिंट होती है वैसे, मतलब कहीं पे इतना सा भी गैप नहीं रखा, पूरा बस लिखते गया लिखते गया लिखते गया। तो लिखने में तो मैंने बहुत लिखा है,